वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस्ट्रो साइगुरु में आपका स्वागत है और मेरे को पूर्ण आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आज एक का हमारा विषय एक अलग किस्म का विषय है। मेरे व्यूअर्स ने व्हाट्सएप पर और अन्य स्क्रिप्ट साइगुरुज ने पूछा था कि गुरुजी हमें ऐसी कोई विधि बताइए जिससे कि हम कोई सिद्धि करना चाहें, या ऐसा हम कोई हमारे पास कोई सिंपल सा उपाय हो जिससे हम करें और हमारी मनोरथ पूर्ण हो जाएँ, या हमारा कोई भी जो ऐसा कार्य पूर्ण हो जाए, मगर ज़्यादा उसमें समय ना दे पाएँ क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं और इस किस्म की चीज़ें हैं। तो देखिए डियर माय फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको तरीका बता रहा हूँ जो सिंपल भी है। ये उनके लिए जो मनोवांछित सिद्धियाँ पाना चाहते हैं या जो अपने मन की इच्छाएँ पूर्ण करना चाह रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है मगर कोई इच्छाएँ पूरा करें। इसलिए इसमें इनको क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए थोड़े आपको कष्ट और थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके पास घर में शंकर जी की मूर्ति हो या शंकर जी की, भगवान शिव जी की आपके पास तस्वीर हो तो कोई बात नहीं, मगर आपको साथ में एक काम जरूर करना पड़ेगा। भगवान शिव जी के आपको किसी भी दुकान में जाना पड़ेगा जहाँ की किताबें मिलती हैं। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप गीता प्रेस की किताब ले लें। गीता प्रेस के इनमें भगवान शंकर जी की आरतियाँ हैं। देखिए भगवान शंकर जी के कम 6 किस्म की आरतियाँ हैं। पहले मैं बताता हूँ, भगवान गंगाधर की आरती वो अलग है, भगवान श्री शंकर वो अलग है, भगवान महादेव की अलग है, भगवान शिव शंकर की अलग है, भगवान कैलाशवासी की आरती अलग है, भगवान भोलेनाथ की आरती है। तो ये 6 किस्म के नाम हैं भगवान शंकर जी के, भगवान शिव के, जो कि इनकी 6 किस्म की अलग अलग आरतियाँ हैं। तो आपने क्या करना है, सोमवार वाले दिन जो है हो सके तो आप इन 6 किस्म की आरतियों को, या तो अगर आप कर सकें कपूर से तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इसको लगा के सुन लें। और आप इसमें समय लग सकता है थोड़ा, क्योंकि हर आरती में कम से कम 4 से 5 मिनट लग सकता है, या आप इसको आप खुद ही चांट भी कर सकते हैं, अगर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 6 किस्म की जो आरतियाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भगवान गंगाधर, भगवान श्री शंकर, भगवान श्री महादेव की आरती, भगवान शिव शंकर की आरती, भगवान कैलाशवासी की आरती और भगवान भोलेनाथ जी की आरती। तो ये 6 किस्म की आरतियाँ करने से मनोवांछित फल मिलते हैं। देखिए कुछ भी पाने के लिए हमें कष्ट से गुजरना पड़ता है तभी हमें सिद्धि मिलती है। तो आप इन 6 किस्म की आरतियाँ करें और आप बाद में मेरे को व्हाट्सअप पर आप बताएं कि आपको ये अनुभव कैसा रहा, आपकी क्या आपके चेंजेस आए आपके लाइफ में। ये हमारी आपसे विनती है कि आप करें, हमारे चैनल एस्ट्रो साइगुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।